जय श्री राम। भारतवर्ष के सभी हिंदुओं को मेरा नमस्कार। मैं आज यहाँ मुंबई से दूर बदलापुर से करीब रामगिरी आश्रम में उपस्थित हूँ। आज का ये शुभ दिन जो ओणम का दिन है, यहाँ पे हर कोई इस आश्रम में जमा होकर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। रामगिरी आश्रम में सालों से हर दिन रामायण का पारायण होता है। इसके साथ यहाँ पे स्वामी जी के नेतृत्व में हर वो हिंदू लड़की और लड़का जो शादी करना चाहते हैं बिना दहेज के इस आश्रम में उनका शादी का विवाह स्थापित किया जाता है। इसके अलावा रामगिरी आश्रम में जो मृतजन है, जो हमारे सगे संबंधी जो मरते हैं, उनका अस्थि विसर्जन और उनका बाकी का क्रियाकर्म करने का पूरा प्रबंध किया गया है। हर रोज हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और इस सेवा का उपलब्धि लेते हैं। आज हमारे साथ स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी को खुद स्वामी गुरुपादर और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद है। स्वामी जी सालों से हिंदू धर्म और हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाई करते आए हैं। बहुत साल मेहनत करने के बाद आज उनके शिष्य ने आज ऋग्वेद पर अभ्यास कर उसे मलयालम में ट्रांसलेट कर 8 वॉल्यूम में लिखा गया है। आज स्वामी जी हम सबको उस किताब के बारे में, ऋग्वेद के बारे में और वेद के बारे में जानकारी देंगे। स्वामी जी नमस्कार। जय श्री राम। स्वामी जी आपके सामने हिंदुओं के सबसे पूजनीय किताब वेदों में ऋग्वेद आपके सामने है, आप इसके बारे में जरा हमें बताइए। हमारे बीच में 90% हिंदू को भी वेद हमारा मुख्य ग्रंथ है करके मालूम नहीं, इसलिए हमारा गुरुदेव ने, जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज ने हजारों पब्लिक मीटिंग में ये पूछा गया हिंदू का मेन ग्रंथ का नाम क्या है, वो ब्राह्मण समाज हो, नायर समाज हो, हरिजन समाज हो, गिरिजन समाज हो, कुछ भी, लेकिन 1% आदमी को भी मालूम नहीं है वेद हमारा ग्रंथ है करके बोलना है। लेकिन ये मन में रखते हुए जब ही हमने इधर मंदिर बनाना शुरू कर दिया, एक मंदिर ऐसा बनाया वो वेद मंदिर है, चारों वेद को उसका मूर्ति बन के इधर मंदिर बनाया हुआ है। कम से कम ये लोग उसको देखे दूर से कम एक प्रणाम करो, ये भी हम चाहते थे, और उसके बारे में कुछ पढ़ाई करने का व्यवस्था भी हम लोग कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा हाथी को चॉकलेट देते तो नहीं चलेगा, उसको एक सिस्टम से करने का है। स्वामी जी ने एक दिन, स्वामी जी का एक शिष्य है डॉक्टर चंद्रशेखर नायर, उन्होंने श्री शंकरा संस्कृत कॉलेज का डीन था, जब भी उन्होंने बचपन में आश्रम में आया तभी स्वामी जी ने पूछा तुम क्या करते हो, मैं संस्कृत कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ, तभी स्वामी जी बोला तुम ये वेद को ट्रांसलेट करने का व्याख्यान करो, तभी बोला स्वामी जी हम वेद तो पढ़ा नहीं है क्या करूँ, अच्छा ठीक है तुम रिटायर होने के दूसरा दिन हमारे पास आना और ये ट्रांसलेशन करने के लिए शुरू कर देना। फिर वो प्रोफेसर बन गया, डीन बन गया, उसके बाद में ये वेद सब पढ़ा, बहुत यूनिवर्सिटी में उसका विजिटिंग प्रोफेसर होकर काम किया, बड़ा से उसको अच्छा नाम है केरल के अंदर। रिटायर्ड होने के बाद एक आदमी उनको पूछा मुझे तो सत्यानंद सरस्वती महाराज को मिलने का है, आप जानते हैं उनको, तभी बोला हाँ मैं जानता है, आओ उसको लेके
स्वामी जी को मिलने के लिए आया, उनको जो काम करने का है स्वामी जी उनको हेल्प किया, तभी पूछा वो जाने दो तुम इधर बैठो, तुम रिटायर्ड हो गया ना? हाँ हो गया, तुम हमको आके क्यों बोला नहीं? तुमने हमको वचन दिया था रिटायर्ड होने के बाद आके वेद को ट्रांसलेट करेगा, बोला ना तुम? हाँ बोला है। तुम अभी वेद पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, इतना नहीं है उसको पढ़ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आया? अभी आज से तुम उसके लिए काम करना। उन्होंने इसके बाद वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। तभी हमको एक डेली न्यूज़पेपर था पुण्य भूमि करके, वो पुण्य भूमि में 18 पेज है, बहुत बढ़िया से निकला था। उसमें एक पेज, उसका नाम है सनातन पेज, ये सनातन पेज में डॉक्टर चंद्रशेखर नायर ने वेद के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या करेगा, वो हिंदू का बीच में ये सब करते हैं तो ना वो पेपर के लिए बहुत हेल्प नहीं मिलेंगे, पेपर हमको बंद करना पड़ा। वो बंद करने के पड़ा है 6.5 करोड़ रुपया हमारे लिए नुकसान था। ठीक है, उसके बाद स्वामी जी बोला ठीक है पेपर भी बंद है, फिर भी तुम ये बंद नहीं करना। मैंने पेपर शुरू कर दिया, वो उसका मतलब ये एक पेपर के लिए नहीं है, हमारे लिए खुद का मीडिया होने का आदत आशा हमारा हिंदू को होने का है, इसलिए हमने ये शुरू किया है, तुम तुम्हारा काम शुरू करो। ऐसा 15 बरस दिन रात बैठ के काम करके इसने ये ट्रांसलेट किया आयुर्वेद का। वो भी ट्रांसलेशन, इसका नाम भी लिखा हुआ है गुरु दक्षिणा फाशियम, क्योंकि स्वामी जी ने बोला वेद ऐसा एक्सप्लेन किया है जो राजा दारू पीता है वो बोलेगा तुम ऐसा है, दारू पीना खराब है मत बोलो, इधर राजा नहीं है, इंद्र भी दारू पीते थे, और जो खराबी ये राजा का था वो खराबी देवलों को भी है, ऐसा करके राजा के जो खाना खाता है उसका असर उसका लिखने में भी हो गया। इसीलिए मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हमारा व्याख्यान में हो गया, इसीलिए ऐसा नहीं है। अच्छी तरह व्याख्यान करने के लिए किसको भी मदद लेके, किसको भी हुक्मशाही से, किसको भी प्यार के लिए, कुछ लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, असली में तकलीफ करके तुम करो, ऐसा किया हुआ है ये ऋग्वेद का फारसी। और इसमें भी क्या है, हमारा वेद 1% आदमी को मालूम नहीं और देखा है नहीं है। आप पूछते हैं अरे हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा होता है, हिंदू में कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम वेद देखा है? हाँ वेद देखा नहीं है, वेद देखा भी नहीं है फिर तुमको हिंदू का ग्रंथ के बारे में मालूम नहीं है, फिर भी तुम हिंदू को गाली देता है, लेकिन वो पढ़ के तुम अच्छा हिंदू बनो सनातनी बनो ये प्रेरणा नहीं देता है। ये प्रेरणा मिलने के लिए हम लोग ये वेद का प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका जरूरत है। अभी क्या है, ये अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर विवेकानंद स्वामी ने भी ये बोला है हर एक देशीय भाषा में मातृभाषा में जब ये वेद इधर हो जाता है हमारा सनातन हिंदू सुधर जाएगा, इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। अभी ये देखिए आप, ये श्रद्धा से हम लोग करते हैं तो ना अवर हर एक आदमी को ये वेद आपको दे सकता है। एक बात है, एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, ये आदिवासी इलाका इधर कम से कम आदिवासी बच्चों लोगों को कुछ को पूछो उसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, इतना भी नहीं है। तुम हिंदू है वो भी मालूम नहीं, तुम पाकिस्तानी है वो भी मालूम नहीं, तुम बांग्लादेश है वो भी मालूम नहीं, तुम भारत का है वो दिखाने के लिए कागज नहीं है। इसलिए हम लोग इधर का सबको सबको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक अकाउंट, गैस,
यह सब मिला है अभी, अभी उसको और उसको क्या है, हमने तीन बात करता, एक अन्नदान सबको खाना देना, और विद्यादान पढ़ाई कर देना, और कन्यादान, कन्यादान मैंने निशुल्क की शादियां, एक हिंदू लड़की को शादी करने के लिए जमीन मत सेल करो, उधार मत लो, हम सब मिलके करेंगे। मैं इधर बैठ के कम 77 शादी करवाया, उसके अंदर अनेक भाषा है, मराठी है, बंगाली है, बिहारी सब है उसमें, इधर का महाराष्ट्रीय लोग 57 महाराष्ट्र का शादी है। ये काली एक नमूना है, अगर इधर का अनेक प्रांत का अनेक भाषा का आदमी कोशिश करते हैं तो हिंदू हजारों हिंदू लड़की का शादी करने के लिए मौका मिलेगा। अगर ऐसा होते तो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, जो देश में नारी को पूजा करता है, मान्यता देता है, प्रोटेक्शन देता है, वो पवित्र देश है। नहीं तो ऐसा बोलने का शनि सिंगापुर में औरत लाओ, शबरीमला में जाओ, ये नहीं, औरत को प्रोटेक्शन करो। मेरा एक विनती है, अगर औरत को शबरीमला जाने के लिए कोशिश मत करना, शबरीमला बच्चा लोग जाते हैं, एक लड़की को एक घर में भी, अपना खुद का घर में भी प्रोटेक्शन नहीं है, घर ऑफिस में नहीं है, स्कूल में नहीं है, बस में नहीं है, प्लेन में नहीं है, ट्रेन में नहीं है, अगर पुलिस स्टेशन के सामने एक इंसल्टिंग होते ही तो कंप्लेन करने के जाते ही तो पुलिस भी उनको ये देता है, और कोर्ट में जाते ही तो वो वकील भी उनको ऐसा क्वेश्चन पूछता है, दूसरा दिन पाए संजय के मर जाता है। इधर हजारों लड़की लोगों को इधर रेड स्ट्रीट में सेल होता है, उसको बंद करने के, उसको अच्छा नौकरी वगैरह देके अच्छी तरह पालन पोषण करके, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ है, ऐसा बोल के उनको आदर करने के लिए हम लोगों को, वो लोगों को मदद करना। ये हमारा वेद पढ़ने का अर्थ, वेद माने नॉलेज, भगवान क्या होता है, वेद स्वरूपी, भगवान ऊपर है, नीचे है, वो है, ये है, नहीं है, भगवान पत्थर है, भगवान लकड़ी है, भगवान ये है, वो नहीं है, भगवान माने वेद स्वरूपी, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। ये हमको जब मालूम पड़ता है तो ब्लाइंड बिलीव कुछ नहीं है, कोर्ट सर्टिफिकेट करते ही तो पिताजी नहीं मिलता है, हमने डीएनए टेस्ट किया, सो हियर बाई आई अपॉइंटिंग दिस जेंटलमैन एज योर फादर, ये बोलने से नहीं होता है, ये आचार विचार से संस्कार होता है। इसके लिए हम लोगों को, आप लोगों को ये बहुत बड़ा काम है वेद प्रचार करने का, वेद का अर्थ ज्ञान। ओके, विश्व आदि बस है।